आइए नजर डाल लेते हैं की हाइलाइट्स बजट एट अ ग्लांस, जो घोषणाएं हुई हैं उसमें क्या मुख्य बिंदु हैं जो आपको बताने हैं। सबसे पहला आंकड़ा आपके स्क्रीन पर, सरकार का ये कहना है कि 5 लाख से ऊपर के बीमा भुगतान पर टैक्स लगेगा। ये एक जानकारी अब सामने आ गई है, ये एक बहुत जरूरी जानकारी है। आइए अगली जानकारी जानते हैं। आवासीय संपत्ति पर कैपिटल गेन्स टैक्स की सीमा 10 करोड़ है, यानी कि आप जो टैक्स बचाते थे एक प्रॉपर्टी बेच करके दूसरी प्रॉपर्टी लेने में, उसकी भी एक सीमा है और वो सीमा है 10 करोड़ इस बजट के हिसाब से। तो ये दो चीजें हैं जो कि अभी ताजा पता चली हैं। लेकिन एक न्यू टैक्स स्लैब भी सामने आया है और वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो 2022 में जो टैक्स स्लैब थे वो कुछ इस तरीके से थे, 0 से 2.5 लाख अगर आपकी सालाना आय है तो निल टैक्स, 2.5 से 5 तो 5%, 5 से 7.5 तो 10%, 7.5 से 10 में 15, 10 से 12.25 में 20, और फिर इसी तरीके से वो बढ़ रहा था। लेकिन 2023 में जो नया टैक्स स्लैब आया है उसके हिसाब से 0 से 3 लाख में निल, 3 से 6 लाख के ब्रैकेट में अगर आप हैं तो 5% कर, 6 से 9 लाख में 10% आपका टैक्स आयकर, 9 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 में 20% और 15 लाख से ज्यादा अगर होगी तो 30%। लेकिन प्रभावी रूप से अगर आप देखें, और अभी कुलदीप जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कुलदीप जी 3 से 6 लाख अगर किसी की आमदनी है तो 5% उसका टैक्स लगेगा। लेकिन आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो आप डिडक्शन लेते हैं वो अगर आप जोड़ लें तो प्रभावी रूप से 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपका टैक्स जीरो है। नहीं, ये ऐसे नहीं, जो डिडक्शन की बात नहीं है। हाँ। अगर आपकी इनकम आज के टैक्स के रूल के हिसाब से 5 लाख से कम है। हाँ। तो एक सेक्शन 87 है। हाँ। जो कि टैक्स रिबेट है। हाँ। 2.5 लाख तक अभी कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 से 5 लाख 5% की टैक्स स्लैब है, तो 5% 2.5 लाख का हुआ 12,500, तो 87A की लिमिट 12,500 थी। तो अगर आप 5 लाख तक की इनकम आपकी है तो 87A रिबेट लेने के बाद आपको 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब वो जो 87A की लिमिट है वो 12,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 7 लाख तक की इनकम है और जो नए टैक्स रिबेट के हिसाब से 3 से 6 लाख 5% और 6 से 7 लाख 10% टैक्स लगाएंगे तो आपको कोई टैक्स उस पर नहीं देना पड़ेगा। आमिरुल्ला जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप देखें कुलदीप, ये टेबल तो इसमें क्या लगता, इसमें तो कोई फर्क नहीं लगता, बस ये कि 2.5 लाख की जगह 3 लाख हो गया नील। हाँ। और 5 लाख की जगह 6 लाख हो गया 5%, बाकी सारे टैक्सेस तो वही के वही है। हाँ, वो जो चंद लोग हैं जो नए टैक्स रेजिम में आएंगे उनको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। असली फर्क पड़ा है उनके लिए जो 5 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, उनका 12% सरचार्ज कम हुआ है, उनको 2.5 लाख का फायदा है। यहाँ पे आप 200-400 रुपए का फायदे की बात कर रहे हैं पर मंथ। हाँ राजेश जी, हर करोड़ों में जिनका 5 करोड़ से ऊपर है उनका ये अमाउंट बता रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं 2 लाख वालों से। तो कम से कम कंपेयर परसेंटेज में किया जाता है सर, ये परसेंटेज आपको भी पता होना चाहिए। नहीं, परसेंटेज में कर लीजिए, वो परसेंटेज बहुत नेग्लिजिबल आ जाएगा। चलिए, मेरा बस आपसे एकदम सीधा सा सरल सा सवाल है और वो सवाल यही है कि आज की डेट में ये जो न्यू टैक्सेशन स्लैब है जो बाय डिफॉल्ट, अभी अखिलेश जी बता रहे थे बाय डिफॉल्ट आप उसमें चले जाएंगे अगर आप एग्जेम्पशन नहीं लेते हैं, ऐसे में मेरी कितनी तनख्वाह हो जिसमें सब डिडक्शन वगैरह लगा करके जीरो टैक्स बने? डिडक्शन तो है ही नहीं ना। हाँ। देखिए, मैं आपको बता सबसे पहली बात, न्यू टैक्सेशन स्लैब के हिसाब से सीधा सीधा हिसाब, देयर इज नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं। हाँ, कुछ नहीं, वही तो सरलता की बात। देखिए, दो चीज आपको बता रहा हूँ, पिछली बार ये 5 लाख था वो 2 लाख बढ़ गया, तो 2 लाख डायरेक्टली आपको लिमिट बढ़ गई जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले 12,500 तक टैक्स 87A में रिबेट थी, अब वो 25,000 तक हो गई। हाँ। तो 25,000 होने से ये पूरी तरह से 2 लाख बढ़ गया, प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 और बढ़ गया, तो हमारे को 2.5 लाख रुपए का फायदा डायरेक्टली एक आदमी को हो गया टैक्स में। जो एक लिमिट सोच रहे थे कि लाख रुपए तक की लिमिट बढ़ सकती है, वो 2.5 लाख तक का फायदा डायरेक्टली है। कुलदीप जी, जो जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है, जिन्होंने LIC पॉलिसीज ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, क्या वो अपने ओल्ड सिस्टम में अभी रहे या उनको अब नए रेजिम में जाना चाहिए? वो नए रेजिम में चले जाएंगे क्योंकि पुराने रेजिम में कोई टैक्स के स्लैब में चेंज नहीं हुआ है, तो उसमें जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज्यादा आएगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग वाले जो लोग नए रेजिम में नहीं जा रहे थे,
तो वो अब उसमें एनर्जी में शिफ्ट हो जाएंगे, माइग्रेट करने के लिए ही ये हो जाएंगे दिया गया है। जो नए टैक्स पेयर जुड़ेंगे तो वो अब घरों में या इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की बजाय वो अपना टैक्स वो नई टैक्स नया टैक्स रजीम को चूज करके तो फायदा क्या है उनको ये बताइए, उनकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा, उनको टैक्स लाइबिलिटी कम लगेगी उसमें। हाँ, उसको अगर आप सेव मत करो आप टैक्स भी मत लो। हाँ, इसका मतलब ये है कि आप अपने इंश्योरेंस की व्यवस्था मत करो, आप अपना पीएफ में पैसा मत जोड़ो। हाँ, आप क्यों पैसा जोड़ना चाहते हैं, आप खर्चा करो बुढ़ापे में क्या करेंगे। ये जो नए मिलेनियल है कि सर सेविंग करना बंद कर दे क्या आदमी, मतलब आप कह रहे हैं कि आप किसी में मत डालो मतलब खर्च ही करते जाए। देखिए आपके बच्चे हैं, आपका बच्चा क्या कहता है, कहता मैं सेव थोड़ी करता, मुझे तो खर्च करना है। हाँ, तो सरकार ने बोला आप खर्च करिए, तो वो तो आपको इसका प्रोत्साहन दे रही है। जी, क्या वाकई ऐसा है क्या जो जितना इस तरह से बताया जा रहा है, वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल जो कहा जाता है ना कि आप बेसिकली लिव बियॉन्ड योर मींस ऑल्सो इफ यू कैन, उसके लिए तो मेहनत और कमाइए और खर्चा और उधर उधर जाते जाइए, तो उस तरीके का शायद एक इंटेंशन है उस ट्रेजेक्टरी पे जाने का। लेकिन हम भारतीयों की मानसिकता है बचाने की, एक समय कहा जाता था भारतीय बहुत गोल्ड खरीदते हैं, क्या वो वाकई बैक टू साइकिल, क्योंकि आप ब्रेक में कह रहे थे क्या गोल्ड खरीद के रखो, तो अगर एक थोड़ी कैसे बचाए, मतलब अपने भविष्य या बुढ़ापे के लिए कैसे इंतजाम करें। नहीं नहीं, मैंने आपको मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आप बोल करो आज प्राइसेस कम कल क्या होगा। ओके ओके, पर मैं आपको सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ, देखिए आज सरकार के पास आप बैंक में जमा कराइए, शेयर लीजिए, सब कुछ पता है, सरकार को अभी तक आपके गोल्ड के बारे में नहीं पता। सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, मैं सिर्फ इसमें ये कह रहा था कि गोल्ड के साथ जमीन भी उसमें जोड़ दीजिए। ये जो इन जनरल जो एक अपना इंफेसिस होता है, अगर आप इन चीजों से जाएं, और स्पेशली एक वॉलेटाइल किस्म का जो माहौल होता है, तो ये जॉन। लेकिन क्या राजेश जी, ये केवल जो भारतीयों की बचत की आदत है केवल उसको बदलने का प्रयास है, या फिर जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने में इनकम टैक्स के लेकर के जितना कॉम्प्लिकेशंस था उसको सरल करने का प्रयास है, या इसके पीछे कुछ और इरादा है कि सरकार चाहती है कि जेब में आपके पैसा आए, आप खर्चा करिए, आप स्टॉक मार्केट में लगाइए, आप म्यूचुअल फंड में लगाइए। सर इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं, जो स्कीम्स थे उस स्कीम्स के तहत ही लोग करते थे, ऐसा बचत नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें, आपको इंटरेस्ट सारा थोड़ी ना माफ हो रहा अगर किसी के ज्यादा पैसे हैं बैंक में, आपको कई सारे लोग घर के लोन थोड़ी ना लेकर के बैठे हैं, ऐसा नहीं है, हर तरीके की जो भी सुविधाएं हैं वो आदमी के पास है और वो लेते रहेंगे। उसमें जो टैक्स बेनिफिट वाली जो स्पेसिफिक चीज थी उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया था पिछली बार ही ऑलरेडी ये 5 लाख कर दिया गया था, तो उसको इस बार बात करने की जरूरत ही नहीं हो, तो पिछली बार का ट्रेंड था, इस बार नया स्कीम नहीं चालू हुई है, ये नई स्कीम इस बार जो है उसमें एनहेंसमेंट हुआ 2.5 लाख का। फिर तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे ना कि आप अमीर लोगों को ज्यादा रिबेट दे रहे हैं। हाँ, अभी हमने 2.5 लाख और बढ़ा दिया। अमीरों की आप सोचते हैं, फिर तो यही आप नहीं नहीं, हमने 2.5 लाख रुपए अभी और आपको बढ़ा दिया, ये तो पिछली बार ही कर दिया, और पिछली बार लोगों ने शिफ्ट कर लिया है अपने आप को, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का रूट चालू हो गया है, क्योंकि अमीरों का तो आपने 25% पे लाके रख दिया है। सर 25% सरचार्ज है, यही क्लैरिटी नहीं है लोगों को, ये सरचार्ज है 25%, ये टैक्स नहीं है, ठीक है, 12% 37 से 12 जो है सरचार्ज का पार्ट है, तो अमीरों का 5 करोड़ से ऊपर वाले हैं वो 42% पे टैक्स होते, तो उनको आप 42 पे नहीं रख सकते, उनको आपको कम तो कभी ना कभी करना ही पड़ेगा, तो भी कम करना, हमें क्या फर्क पड़ता है सर, 5 करोड़ सर, देखो मैं आपको बताऊं, बाकी सबका भी अगर कम हुआ है तो कुछ हद तक उनका भी कम है, पर उनका अगर आप कंपेयर करेंगे परसेंटेज वाइज तो उनका बहुत कम हुआ है। अभी भी आप कैलकुलेट करिए, संकेत की भाषा में सबसे प्यारी योजना यही है। नहीं, कौन सी योजना? इनकी मानसिकता से वो बोलते हैं, कौन सी योजना? ऐसा नहीं है, कौन सी योजना? नहीं, इनकी सुपर सरचार्ज वाली जो है उसकी कैलकुलेशन इन्होंने परसेंटेज में नहीं करी है, ये सिर्फ ये परसेंटेज यहाँ बता रहे हैं, 5 करोड़ का परसेंटेज के हिसाब से कितना आता है, और एक आदमी जो 10 लाख 15 लाख कमा रहा है उसको कितना बेनिफिट मिला, 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, 2.5 लाख। मैं इस बात कंप्लीट कर दूं, देखिए अगर आप देखें ना पिछली स्कीम में भी 5 लाख था एग्जेम्पशन, यानी 0 से 5 लाख तक के लोग कोई टैक्स नहीं दे रहे थे, अब वो जो सिर्फ 5 से 6 वाले हैं उतने ही, 5 से 7 वाले उतनों को ही फायदा हुआ है, और जो नीचे थे उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आप ऊपर देखिए, और मुझे ये लगता है कि ये स्कीम इसीलिए इस तरह अनाउंस हुई कि पहले लगे कि ये गरीबों को दे दिया है, एक्चुअली उसके बाद कहा कि हम 12% सरचार्ज वहां कम कर रहे हैं, और वो जो हम भूल रहे हैं 25 लाख रुपए जो लीव एनकैशमेंट करता है, नहीं वो कितने लोग हैं जो 25 लाख रुपए की लीव रखते हैं, और कितने रिटायर होते हैं साल में, उनको आपने माफ कर दिया।